सागर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और ये मौसम है भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। ये गीत देखा? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। इस गीत में किसके बारे में बात की गई है? चांद के बारे में। एक बार हम लोग इस गीत को फिर से गाएं? हाँ। चलो। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला। क्या बोला बस? सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, अगर ना हो तो ला दो कोई कुर्ता ही भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं। सीधे जिंगोला जो रोज बदन में आए। अच्छा, चांद ने इस कविता में कहा है कि ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूं। इस गीत में यात्रा शब्द का क्या अर्थ? सोचो सोचो, जुगत लगाओ और उत्तर ढूंढ के लाओ। हाँ बताओ शांभवी। घूमना। अरे वाह, बहुत अच्छा। घूमना यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी सफर करना। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि चांद अपनी यात्रा कितने दिन में पूरी करता है? हाँ, मेरी नानी ने बताया था चांद 15 दिन घटता है और 15 दिन बहता है, इसी तरह 30 दिन यात्रा पूरी कर ले। हाँ, ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। बिल्कुल ठीक, लेकिन इस यात्रा में एक दिन ऐसा भी आता है कि चांद बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। हाँ हाँ, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, सिर्फ तारे टिमटिमाते हैं। बिल्कुल ठीक, तो उस दिन को क्या कहते हैं? चलो मैं ही बताता हूँ। अरे गौरव,
तुमने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? क्योंकि चांद भी तो ऐसे ही छुप जाता है। उस दिन को क्या कहते हैं? उस दिन को अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या। हाँ, अच्छा बताओ ये क्या है? ये गोल गोल सा चांद है। हाँ बिल्कुल ठीक अमिताभ, इसे बोर्ड पर लगा दो। ये बताओ गोल गोल चांद पूरा का पूरा कब होता है? गोल गोल चांद पूर्णमासी के दिन दिखाई देता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी सालगिरह भी उसी दिन पड़ती है। अरे वाह बिल्कुल ठीक। अच्छा इस चांद को देखो, ये कैसा चांद है? आधा चांद। हाँ अमिताभ इसे भी बोर्ड पर लगा दो। लगा दिया। अच्छा अब ये देखो, ये कैसा चांद है? ये तो बिल्कुल पतला सा चांद है, बिल्कुल ईद के चांद जैसा। अरे वाह तुम लोग तो बहुत समझदार बच्चे हो। अमिताभ इसे भी लगा दो। अब एक बात बताओ, माँ को चांद का कुर्ता सिलाने में क्या मुश्किल आई थी? और क्या, चांद कभी एक नाक पर तो होता ही नहीं है। हाँ, कभी पूरा तो कभी आधा तो कभी पतला। चांद? चांद तो कभी एक नाक का होता नहीं है, तो उसका कुर्ता कैसे सिला जा सकता है? बिल्कुल ठीक। अच्छा किसी को चांद की कोई दूसरी कविता आती है? हाँ। तो सुनाओ। चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में प्याली गई फूट गया। चलो हम लोग एक बार इस गीत को फिर से देखते हैं। हट कर बैठ